तो गाइज़ वेलकम टू रोआस की दुनिया। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन। एक होम रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिया है 1/2 kg मावा, इसको हम खोआ भी कहते हैं। इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून घी, थोड़ी सी शुगर ऐड करके सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको ना ये थोड़ा ड्राई लगे तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। इसको अच्छे से नीट करना होगा, कोई लम्स ना छोड़े। डो बनने के बाद इसको हम छोड़ देंगे फॉर अबाउट 15 to 20 minutes टू रेस्ट। मीनवाइल विल मेक द प्रिपरेशन ऑफ चाशनी। तो चलिए हम बनाते हैं चाशनी। इसके लिए हमने लिया है 2 कप शुगर, सो 1 कप वाटर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे स्टोव पे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी इलायची फ्लेवर के लिए। इसको अच्छे से पकने दें फॉर अबाउट 10 to 15 minutes। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया। सो नाउ द चाशनी इज ऑलमोस्ट रेडी। लेट्स गो बैक टू द डो एंड लेट्स मेक सम गुलाब जामुन। तो इसको अच्छे से शेप दे दें, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, एकदम सॉफ्ट सा गोल सा शेप दे दें इसको। तो देखिए बन गए हमारे गुलाब जामुन। अभी हम ऑयल रख रहे हैं, ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जामुन। इसको डीप फ्राई कर लें अंटिल इट्स गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पे ना जामुन को निकाल के डायरेक्टली चाशनी में ना डालें, जिससे ऑयल की स्मेल आ जाएगी। इसको 2 मिनट रख के फिर डालें, पूरा ठंडा होने ना दें वरना चाशनी को सोक नहीं करेंगे जामुन। तो अभी आप ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए बन गए हमारे जामुन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।